How to enable WhatsApp fingerprint in Redmi 4? स्वागत है दोस्तों आप सभी को Alex Tech YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने Redmi 4 फोन पर WhatsApp पे कैसे फिंगरप्रिंट को एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके, और लाइक कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको जाने अपने WhatsApp पर। व्हाट्सएप पर जाने बाद आपके राइट हैंड साइड पर एक थ्री डॉट दिखाई देगा, इसको आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने बाद फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे पे आना है दोस्तों, जहाँ पर आपका लिखेगा दिखाई देगा आपको फिंगरप्रिंट लॉक, इसको आपको सिंपली क्लिक करके इसको आप इनेबल कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म फिंगरप्रिंट करके आएगा, आपको आपको सिंपली आपका फिंगर को आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है, आपका ये फिंगरप्रिंट एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एकदम तो आपको ऑटोमेटिकली लॉक आएगा, तो आपको कितना मिनट पे करना है, मैं जैसे कि इमीडिएटली कर रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इमीडिएट कर लें। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट को एनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।